बात कर रहा था, मैंने खुद अपने कानों से उनका दर्द सुना बड़ा दुआना पहले। वो कहते अल्लाह तबारक व तआला मुर्दा कहने से मना कर रहा है तो मुर्दा ही ना, है मुर्दा कह रहा भी, ये दर्द था उनका। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब यह निकला कि कह रहा नहीं है सही, लाल का सबना क्या है समझ रहा भी नहीं। मैंने कहा लाल से भूल लू तो मेरे नहीं, ने कहा लाल का सबना भी कहा कि मुर्दा समझ रहा भी नहीं, क्यों हिंदी सबूल सारे ही ना खुश होते हैं, सारे ही ना बिना आता अल्लाह बिन फजले अल्लाह। अब आखिरी बात किस मौजू पर ये करता हूँ, जब इतना पक है, इतना यकीन है, शहीद क्यों कहते, शहीद क्यों कहते? क्योंकि जब कहता है युक्त लो या कोते लू तो फिर शहीद क्यों कहते? हर आदमी शहीद कहता है उनको, शहीद की तो कोई आशीर्वाद इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ना कोते लू में ना युक्त लो में कोई आया सीधा शहीद का, तो शहीद किधर से आ गया? वो मारा गया, वो कत्ल हुआ, कतील हुआ, इसकी जो सीवा बनता है इसका वो कतील बनता है, तो कतील को शहीद है हमारे वक्त कहते रहते क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कतील फी सबीलिल्लाह सही मानों में मकबूल है ना, अल्लाह ताला फरिश्ते को मना करता है कि जब तक मैं ना आऊं और इसको दीदार ना दो तब तक इस हुजूर से जिसम से अलग ना करना। हुजूर से बातें रिश्वत में कतील अपनी तफसीर में भी लिखती है इस रिवायत को, कहते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि कतील फी सबीलिल्लाह तलबते शहादत, यानी कतल होने के वक्त अपने आंखों से अपने रब की जात या सिफात, जैसे रब चाहे। और ये बड़ी तफसीली बात है कि दीदार देता है शहीद जब तक अपने रब को देख नहीं लेता, उस वक्त तक उसके रूह का ज्ञान फिर से बर्बाद ही नहीं करता, देखने की वजह से उसको शहीद कहा। जुमला करता हूँ, जैसे मैंने कहा पामाल हो जाए ना जिसम तकलीफ नहीं होती, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। अभी बात ने फरमाया जो शहीद फीस मिल्ला है ना कभी फीस मिल्ला, उसकी जान कभी का मरहला कितना भी सख्त हो उसको ऐसा भी नहीं लगता जैसे किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए तो जितना दर्द होता है, कितनी भी लग उसे तकलीफ नहीं होने देता। क्यों? उसकी वजह यह है कि दीदारे खुदाबंदी दीदारे साथ और सिफात, ये फिर भी कहता हूँ दोहरा के क्या जात है या सिफात, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको इस तफसील में जाने की, सिफात भी देखे तो अब की है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि दीदार इतना लजीज है, इतना अलग है, इतना अल्तफ है कि इस पर इमाम खुदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा हाथ में छुरियां थी, हाथ काट डाले मगर मुंह से सी नहीं निकली, क्या लफ्ज बोला फौरन, हाथ कटे खून बह जाए तो फौरन तो सी आए बाए ये होनी चाहिए ना, लेकिन ये नहीं हुआ, क्या बोले हाथ अल्लाह हाथ आता है, यदि अपनी तकलीफ का पता ही नहीं ये बशर नहीं, बशर हम की ये बशर नहीं, क्यों ये ऐसी शक्ल होती है बशरों की, अगर इला भला जो करीम ये तो फरिश्तों में जो करीम इसे तो आ तरीका है। कहो ना सुहा तकलीफ महसूस हुई नहीं, नहीं कुरान कह रहा है बिल्कुल कट पा रहा है कि हम ना बकुल्ला हाशा लिल्लाह इमा हाजा बशर इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। बताओ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार करें उनको तकलीफ नहीं होती, जिसम कटने की गोश्त उधरने की खून बहने की उनको तकलीफ नहीं होती, एहसास नहीं होता, तकलीफ तो होती होगी लेकिन वहां दीदार की लज्जत इतनी खालिद है कि तकलीफ भूल गई। तो फरमाते हैं इमाम अली कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे उसके रसूल उसके महबूब उसके चाहे हुए मुस्तफा पसंदीदा है, जब उनकी ज्यारत में इतनी लज्जत है कि औरतें बावजूद सही होने के औरतें ज्यादा आयवा करती हैं, इसके बावजूद उनको अपनी तकलीफ भूल गई कि जाए यूसुफ में माफ हो गई। आप फरमाते गौर करो दानिशमंद, जब यूसुफ के हुस्न का खाली कर रहा तो खुद सामने और शहीद के दोस्त में दर्द रखना चाहिए।
مستقرب ہو جاتا سبحان اللہ اس لیے ہم شہدا کے لیے کوئی سیاپا نہیں کرتے کوئی ماتم نہیں کرتے کوئی وغیرہ نہیں کرتے منہ بھی دھوتے الحمد للہ اپنا بھی دھو لیتے سبحان اللہ مہینہ مہینہ وہ منہ ہی نہیں دھوتے پوچھو کیا تکلیف ہے طرف سے ایسی حالت ہے میں نے کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو شہید ہو گئے کافر ہے جو منکر ہے حیات شہدا کا ہم زندہ اجاویت کا ماتم نہیں کرتے تم ہمیں مل نہیں دیتے پھرتی ہو تم ہم نہیں کرتے غم ہم کرتے ہیں غم کرتے ہیں جدائی کا فراق کا اس واقعہ کا لیکن اس کو اس انداز سے پیش کرنا کہ جیسے مر گئے ہوں سایہ ہو گئے ہوں ویسٹ ہو گئے ہوں یہ نہیں ہے تو حیات ہیں وہ ایسی حیات ہے کہ جس نے پورے دین کو زندہ کیا ہماری حیات کیا ہے ہم جیسے جیے یا مرے ہماری کیا اوقات ہے وہ ایسی حیات کے ساتھ زندہ ہے کہ جس سے پوری ملت زندہ ہو گئی پوری ملت زندہ ہو گئی ہمارے جیسوں کا جینا کیا اور مرنا کیا آپ نے ذکر بھی نہیں کو پیری مرے جیسے یہ زندہ رہے وہ تو وہ روح سے پوچھ لیا ہے کہ جو زندہ ہے تو حیات دین ہے اور جب جان دیتے ہیں تو ان کی جان بھی دین کی حیات کا باعث بنتا ہے یہ سنتے رہتے اسلام زندہ ہوتا ہے وہ یاد کیے ہیں اللہ اکبر اور اب اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ تقویت قلب کا باعث ہے اس سے قلب قائم ہوتے ہیں یہ سب شروع نبی الذین لم یرحبوا بهم من خلفهم شہید خود چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم کتنے خوش ہیں لم یرحبوا بهم من خلفهم جو ابھی ہم سے نہیں ملے نا ان کے پیچھے والے شہید چاہتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم بڑے مزے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن کہہ رہا وہ چاہتے ہیں کہ پاس والوں کو پتہ چلے کیوں پتہ چلے اس لیے کہ وہ شوق کرے کہ ہم بھی ان کے پیچھے جائیں سبحان اللہ اور اگر اس کو اتنا بڑا المیہ بنائیں اور اس انداز سے پیش کریں تو بعد والے تو قسم چاہ رہے ہیں وہی مجھے کام سے کرنا ہی کوئی نہیں کیوں کہ 13 سال پہلے ہو گیا تو ابھی تک اس کے اس انداز سے بات ہو رہی ہے تو بعد والا تو شہید ہوگا بھائی وہ تو شہادت سے بچے گا بالکل کوئی نہیں سمجھے وہ تو بچے گا بالکل انجن نہ کرنا بھائی اس طرح نہ کرتے ہو کہ ایک بڑا اسرا نہ ہو گیا ایسا نہیں یہ سب شیرونا بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ سب شیرونا بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین سبحان اللہ جو کچھ نعمت و فضل ان کو حاصل ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بعد والوں کو پتا چلے اور ان کو پتا چلے کہ جس زندگی کو بڑی نعمت سمجھ کے گلے لگائے بیٹھے ہونا اس زندگی کو اگر خدا کی راہ میں دیا تو پھر جو کچھ نے ان سے ملنے جاری ہے اس کے تو دنیا میں تو فضل بھی نہیں کر سکتے یہ اگر احسان ہے نیکی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر نہیں فرما سکتا ذکر کیوں تازہ کرتے ہیں اس لیے ان کا ذکر ایمان ہے جذبہ ہے قوت ہے حضرت جنید بغدادی سرکار رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ولیوں کے طائفہ کے طائفہ سے بلا ہے اولیاء کی جماعت اولیاء کی جماعت کے سید و سردار حضرت جنید بغدادی سرکار سے سائل آپ کے مرید نے سوال کیا کہ یہ جو قرآن و سنت ہم پڑھتے ہیں تو دین ہے جو حکایات اپنے بزرگوں کی بیان کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ الحکایات ہو جن پر مل جنود اللہ تعالی خدا کے لشکروں میں سے لشکر ہے کہ جو مومن کے دل کو تقویت عطا فرماتا ہے سبحان اللہ دل مضبوط ہوتے ہیں ان کی آواز سن کر تو جن کی آواز سن کر دل پہلے سے بھی چالو ہو جائے وہ پھر کیا فائدہ ہو جن تم من جنوب اللہ اولیاء کے تذکرے شہداء کے تذکرے یہ خدا کے لشکروں میں سے لشکر ہے جو مومنین کے قلوب کو تقویت عطا فرماتے ہیں اور وہ مریض کچھ پڑے ہوئے لگتے تھے انہوں نے کہا آپ نے فرما دیا اس پر بس کریں کوئی دلیل بھی دو گے جی کیونکہ وہ دلیل کی طرف جائے گا مدرسے مکتب کا پڑھا وہ فوراً دلیل کیا ہے اللہ اکبر سید الطائفہ سے پوچھا اللہ دلیل کیا ہے ہاں بیٹا دلیل ہے کیوں کہ اللہ کا ولی
जब भी कोई बात करता है तो वो अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुताबिक होती है। कभी नसूस की जाहिर मौजूद ना भी हो, जाहिर नस नसूस में मौजूद ना हो, इशारत में या इक्तिदा में जरूर वो बात मौजूद होती है। इसलिए कि अल्लाह वही होते हैं जो कुदरत की किताब की राशिया पर जरूर पढ़ते रहते हैं। आपने फरमाया तुमने नहीं पढ़ा कुरान में, हम किससे बयान करते हैं तुम्हारे लिए, मैं अंबाए रुसल है अपने रसूलों की खबरों से, और क्यों करते हैं, क्या फायदा है उसका, नुसब तुम ही हुआ था, इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारे दिल मजबूत हो जाए ईमान के ऊपर। क्या समझ आई आपको, कि नबियों के किस्से नबियों के किस्से बाद में आने वाले मुसलमानों का ईमान मजबूत करते हैं। छोटा सा फायदा है, हमने सुनाए थे बगदादी ने और याद के किस्से पर इसको बनाया, इमाम या पढ़ी रहमतुल्लाह ताला ने आपका ये कौर मुबारक नकल फरमाया। अगर सही बगदादी सरकार और अकाबिर उनकी बात करना, एक आदमी कहते हैं उससे पड़े हुए नहीं थे, मैंने आज से 10 साल पहले ये तकलीफ की थी कि आदमी कहते हैं आज करके बोल नहीं, पैरों से बड़े पड़े हुए हैं। मैंने उससे पूछा वो पागला वो कैसे तुम्हें विवाह हुआ, कहा इसलिए कि पहले वो अंग्रेजी बोलते थे, यानी 10वीं सदी में अगर वो बुजुर्ग हुआ है उसने खासतौर पर मुझे जिस बात का नाम दिया, कहने को वो तो बिल्कुल अंग्रेजी बोलते थे। मैंने कहा यह तो तुम अंबिया पर भी लागू कर सकती हो, क्योंकि हमने अंग्रेजी खुतबा तो किसी तभी कभी नहीं सुना है, तो फिर छुट्टी होगी सब। इनको हिम्मत अगर इंग्लिश बोलने का नाम है तो फिर आप बिहार के खुद अंग्रेजी में मौजूद है, तो फिर तो छुट्टी होगी। हमारे पास तो वही है कि अंग्रेजी दूसरी है, कमलिया इनको हिम्मत की कोई जबान नहीं होती, इनको हिम्मत इनको हिम्मत होता है, जबान कोई भी हो, इंग्लिश में भी हो सकता है, अरबी में भी हो सकता है, फारसी में भी हो सकता है, पंजाबी में भी हो सकता है, पंजाबी में भी हो सकता है, इलम क्यों, इसलिए कि इलम इलम है, पहला बयान कुछ भी हो। बल्कि मैंने मुझे तो सरकार की किताबों में यह पढ़ा है कि इलम खामोशी का भी नाम है, सबूत भी इलम है, क्यों, कि इदा अस्तदू राई का जमाल है, फरमाया सूफी वो मर्द होता है कि निरा चुप करे तो उसका जवाब भी तेरे दिल को रोशन कर सकता है। पूरे मजमे में देखो सही साहब उठे पानी पिलाने में, अल्लाह खुश रखे थी सरवर हुसैन साहब हूं गिरा मेरा काम आ गया, बुजुर्ग भाई मेरे काम आ गए, इदा अस्कदू राईता जमालन वाइदा नतमू राईता उखूला, जब वो बात करें समय का उखूला, जब वो बात करे तो देखेगा कि इल्म और हिकमत के व्यक्ति बता रहे, जब खामोश हो जाए तो उनका जवाब ही हजारों दानिश के दिल में डाल देगा, उनकी ज्यारत ही वो हवाएं बता फरमा देती है जो बड़े बड़े का बोलना भी नहीं समझा सकते। किसी ने पूछा हजरत जाया बिन महाज राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, हुजूर अंबिया का इनकार या उनसे दूर रहना कुफर पर पहुंचाता है, आखिर औलिया की मुसाहबत क्यों जरूरी है, समझ रहे हो मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो अंबिया की तो इसलिए मजबूरी है, मैं तो कुरान कहता है तो ना जाओगे तो मारे जाओगे, औलिया की मुसाहबत उनकी संगत क्या जरूरी है, फरमाया कम से कम तुम्हें बात बताऊं, कम से कम तो क्या नुकसान होगा, अंबिया की कम से कम तो मैं कम से कम ये है कि जिस चीज का नाम बरकत है वो उससे महरूम हो जाएगा जो उनकी मुसाहबत है मुझे से छोड़ेगा, क्यों, कि मेरे आका का फरमान है अल बरकत ना आका।